तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है 2018 में रिलीज हुई एक मूवी पर, जिसका नाम है ओइजा हाउस। हमारी बाकी मूवीज एक्सप्लेनेशन की तरह ये मूवी भी यूट्यूब पे किसी ने एक्सप्लेन नहीं की है। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि मैं चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना की सीरीज कंप्लीट करूं, तो उस सीरीज के बचे हुए 4 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन में मंडे या ट्यूसडे को अपलोड करने ही वाला हूं। तो उस सीरीज की चिंता आप छोड़ दीजिए और इस मूवी के एक्सप्लेनेशन पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि इस मूवी के एंडिंग के बाद इस मूवी की हम बेसिक समरी पर फोकस करेंगे, ताकि आप वीडियो अच्छी तरीके से समझ पाए। तो बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक अनजान लड़की दिखाई जाती है जो एक घर के अंदर जा रही थी। जब वो घर का दरवाजा खटखटाती है तो एक आदमी दरवाजा खोलता है जिसका नाम था टोमास। वो लड़की घर के अंदर जाकर अपने बैग के अंदर से एक वीजी बोर्ड यानी कि ओइजा बोर्ड निकालती है। उसके बाद वहां टोमास की बीवी भी आती है जो कि इस बात का मजाक उड़ा रही थी। फिर वो लोग स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं और अचानक उस लड़की को कोई पीछे से हाथ लगाता है और इस बात को भी टोमास की बीवी हंसी मजाक में लेती है। लेकिन अचानक कोई शक्ति टोमास की बीवी को खींचकर अंधेरे में ले जाती है और उसकी चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंजती है। टोमास वहां से भाग जाता है, लेकिन वो लड़की पूरे घर को चेक करती है। तभी उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है और वो लड़की उस घर के अंदर से बाहर फेंक दी जाती है। फिर हमें कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहां लॉरी नाम की एक लड़की होती है जो एक हॉरर बुक लिख रही थी और उस बुक के लिए उसे वीकेंड पे अपने आंटी के घर जाना था। वो घर बंद पड़ा हुआ था और उसका राज बहुत ही ज्यादा भयानक था, इसीलिए लॉरी की माँ उसे वहां जाने से मना करती है। लेकिन फिर भी लॉरी अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ वहां जाने के लिए तैयार होती है। उसके बीएफ का नाम था निक और उसके दोस्त का नाम था स्पेंस और उसकी गर्लफ्रेंड थी टीना। सब लोग उस जगह पहुंचते हैं और वो वही जगह थी जहां उस अनजान औरत ने वहां वीजी बोर्ड का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इस घर की मिस्ट्री बहुत ही ज्यादा भयानक है और ये मूवी के एंड में खुलती है, तो इस एक्सप्लेनेशन को पूरा देखें। घर में जाते ही लॉरेन की बहन उसका वेलकम करती है, जिसका आंटी का ये घर था। लॉरेन और समांथा दोनों भी कजिन्स थी। ऊपर के कमरे में टीना को एक डॉल पड़ी हुई मिलती है और वो उस डॉल की तरफ बिना पलक झपकाए देख रही थी। स्पेंस वहां आकर उसे नीचे ले जाता है। लॉरेन को घर के बेसमेंट के पीछे वाले एक सीक्रेट कमरे में एक वीजी बोर्ड मिलता है। सब लोग रात में खाना खाने के बाद उस घर के हिस्ट्री को सुनना चाहते थे, तो समांथा बताती है कि ये घर पहले गुड विचेस का हुआ करता था, जो कि लोगों को ठीक करती थी अपने शक्तियों के चलते। लेकिन तब उन गुड विचेस में एक नया मेल विच आता है जिसका नाम था रोका, और उसके आने से ही वहां पर परेशानियां शुरू हो गई थी। उसने अपना नया कल्ट शुरू किया था जहां पर वो उन लोगों की बलि देता था जिन्हें हाल ही में बच्चा हुआ हो, और उन लोगों के साथ वो उन मासूम बच्चों की भी बलि दे देता था। तो उसका आगे क्या हुआ ये समांथा को नहीं पता था, लेकिन ये वीडियो में आपको जरूर पता चल जाएगा। उसके बाद ये लोग विजी बोर्ड खेलने ही वाले थे कि तभी एक आदमी वहां आता है और वो आदमी और कोई नहीं टोमास था, जो इन लोगों को वहां से जाने बोलता है। लेकिन ये लोग टोमास की बात को नजरअंदाज करते हुए फिर से गेम खेलने लगते हैं। लॉरेन सबको ओइजा बोर्ड खेलने के 3 रूल्स समझाती है कि इस गेम को कभी अकेला मत खेलो। नंबर 2, जहां कोई मरा है वहां ये गेम नहीं खेलना चाहिए। और तीसरा कि स्पिरिट से कॉन्टेक्ट के बाद ऑलवेज से गुड बाय टू द स्पिरिट। तो ये लोग दूसरा रोल तो तोड़ रहे थे, क्योंकि उस घर में कई लोगों की जाने ली गई थी। खेलते वक्त उनसे कई बार कुछ अच्छे स्पिरिट्स कांटेक्ट करते हैं और गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। लेकिन एक स्पिरिट आता है जो बोलता है कि प्ले गेम द वर्ल्ड गेम, और यहीं से सारी कयामत शुरू हो जाती है। वो लोग इस स्पिरिट को गुड बाय नहीं कहते हैं और ब्रेक ले लेते हैं। मीनवाइल टोमास जब गाड़ी से घर जा रहा था तो उसके गाड़ी में उसे वही वाला विच रोका दिखता है जो उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। समांथा को ऊपर के कमरे से बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है, तो वो जब ऊपर जाती है तो उसे वहां वो डॉल पड़ी मिलती है जिसके अंदर से रोका की आवाज सुनाई देती है और वो समांथा को गायब कर देता है। लॉरेन समांथा को देखने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तो इन लोगों के दिमाग में बहुत ही पेचीदा आइडिया आता है और वो लोग टीना के बॉडी पर वीजी के लेटर्स लिखकर एक पहले से ही ब्लैक मैजिक किया हुआ पत्थर लेकर वीजी बोर्ड को खेलने वाले थे। सारे गेम स्टार्ट करते हैं और लॉरेन पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट है।
तो वो पत्थर यश में जाता है और उसके बाद अपने आप बिना रुके टीना के गले से होते हुए वो उसके मुंह में चला जाता है और टीना उसे निगल लेती है और बेहोश हो जाती है। बाद में वो जब होश में आती है तो सब लोग हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चलने लगती है, लेकिन बार बार वो उसी घर के पास आ रहे थे घूमकर। सब घर में आकर विजी बोर्ड को जला देते हैं। तभी वहां जख्मी टॉमस आता है और वो अपने आप को उनके सामने ही गोली मार लेता है। टीना के बॉडी के अंदर का पत्थर हिलने लगता है और टीना पजेस हो जाती है और उसी डॉल को पकड़कर वो बोल रही थी कि मुझे बहुत बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। और जब लॉरेन उस डॉल को देखती है तो वो डॉल अपने आप ही उसकी मुंडी लॉरेन की तरफ घुमाती है। लॉरेन उस डॉल को भी जला देती है। लॉरेन को एक बुक से पता चलता है कि रोका का स्पिरिट जो था वो विजी बोर्ड के जरिए एनाग्राम लेटर्स देता है और अगर कोई उन लेटर्स को डिकोड नहीं कर पाता तो वो उन्हें मार देता है। फिर जब निक को पता चलता है कि टीना गायब है, वो ऊपर जाकर देखता है जहां टीना एक जगह पर सर पटक रही थी और उसकी आंखें भी पूरी तरीके से सफेद हो गई थी। जब लॉरेन और स्पेंस वहां पहुंचते हैं तब लॉरेन उस जगह का पेंट निकालती है जहां पर टीना सर पटक रही थी, तो वहां पर पी लेटर मिलता है और ऐसे ही जहां पर टीना जाती थी वहां उन्हें कई लेटर्स मिलते हैं और एंड में सबको ये पता चलता है कि पूरे घर में ओइजा बोर्ड बना रखा है और ये पूरा घर एक ओइजा बोर्ड ही है। तभी उन्हें समानता की भी लाश मिलती है। लॉरेन फिर से बुक पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि रोका को जो गुड विचेस थी वो उसे एक बोरी में बांधकर जंगल के बीचों बीच ले गई और उसे एक पत्थर निगलने के लिए उन्होंने दिया और उसके बाद उन विचेस ने बुराई को मिटाने के लिए रोका के एक दर्जन टुकड़े किए और उसे उस घर के नीचे दफना दिया और घर के अंदर वो लेटर्स बना दिए ताकि ROKA ये लेटर कभी मिल ना पाए और रोका की शक्ति घर से बाहर कभी निकल ना पाए। शुरुआत में जो अनजान औरत टोमास के पास विजी बोर्ड लेके गई थी वो और कोई नहीं बल्कि लॉरेन की माँ थी और उसी समय से उसने रोका को आजाद कर दिया था। रोका अपना एनाग्राम का खेल शुरू करता है। वो टीना को एज ए डाइस इस्तेमाल कर रहा था। सबसे पहले वो टीना को ISTLEN लेटर के पास ले जाता है तो इसको डिकोड करने के समय स्पेंस और लॉरेन तो लिसन आंसर देते हैं लेकिन निक्स टिलन देता है और रोका उसे खींच कर ले जाता है और उसे कांच के अंदर से आकर मार देता है क्योंकि उसने गलत आंसर दिया था। फिर से वो एक एनाग्राम देता है और इस बार वो LVIE देता है तो स्पेंस लाइव बोलता है और लॉरेन एविल बोलती है बट एट द एंड दोनों भी लाइव को फाइनल करते हैं। लेकिन असल में करेक्ट आंसर तो एविल ही था। लेकिन रोका कुछ कर पाता उससे पहले लॉरेन बोलती है कि अगर हम ROKA ये चार लेटर्स जो इस घर में लिखे हुए हैं अगर हम उन्हें ढक दें तो हम शायद बच सकते हैं और वो लोग ऐसा ही करते हैं और रोका शांत हो जाता है। टीना अब भी पजेस थी। लॉरेन वो पत्थर टीना के शरीर से काट कर निकाल लेती है लेकिन टीना हमला कर देती है लॉरेन पे और रोका का आर फिर से गिर जाता है। स्पेंस टीना को गोली मारता है लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो स्पेंस को मारने ही वाली होती है कि तभी लॉरेन आर लेटर को फिर से ढक देती है। गोली लगने के कारण टीना मारी जाती है और स्पेंस और लॉरेन सही सलामत निकल जाते हैं। 3 महीने बाद लॉरेन और स्पेंस फिर से मिलते हैं और लॉरेन अब एक अच्छी राइटर थी और उसे अच्छा पैसा भी मिल रहा था। एट द एंड लॉरेन के अपने घर में उसे वो मैजिकल पत्थर मिलते हैं और वो उसकी मॉम के पास जाती है तो वहां उसके घर में ही उसे पी लेटर मिलता है जो कि पेंट निकला हुआ था और लॉरेन की मॉम पजेस होकर लॉरेन पे हमला करती है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की टाइमलाइन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अब बात करते हैं इस मूवी के समरी की। एक घर होता है जिसके अंदर अच्छी विचेस रहती थी। वो लोगों की मदद करती थी लेकिन उनमें एक नया मेल विच आता है जिसका नाम था रोका। वो अपना नया कल्ट बनाकर वहां बलि देता था कपल और उनके बच्चों की लेकिन वो गुड विचेस रोका को मारकर उसके शरीर के टुकड़ों को उस घर के नीचे दबा देती है और रोका की स्पिरिट घर से बाहर ना जा पाए इसके लिए उन विचेस ने एनाग्राम्स में रोका नाम लिखा हुआ था और घर में बाकी जगह पर विजी बोर्ड बना दिया। कुछ साल बाद वहां पर लॉरेन की माँ टोमास और टोमास की बीवी विजी बोर्ड खेलते हैं जहां टोमास और लॉरेन की माँ बच जाते हैं। फिर से कुछ सालों में लॉरेन खुद वहां जाती है और वहां क्या होता है ये आपको पता है। एंड में एनाग्राम को सॉल्व करते हुए वो रोका का नाम ढक देते हैं और वहां से निकल जाते हैं।
अब बताती है कि एंड में लोरेन की माँ पजेस कैसे हुई। तो मेरे हिसाब से इसके दो थियरीज हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक है कि जब लोरेन और स्पेंस वहां से निकल गए थे तब वहां पर पुलिस गई होगी, क्योंकि वहां पर 3 डेड बॉडीज थी। तो इन बॉडीज के बारे में लोगों को कुछ दिनों के बाद पता चल गया होगा, और वो भी बॉडी के डिकम्पोज होने के बाद बदबू आने पर। और जब पुलिस वहां गई होगी उन्होंने वहां पर जो रोका नेम था, जो ढका हुआ था, उसे हटा दिया होगा और रोका आजाद हो गया होगा। और इस थ्योरी को ये बात प्रूव करती है कि जब स्पेंस लोरेन से मिलता है तब वो लोरेन बोलती है कि तुमसे अब भी पूछताछ हो रही है क्या, और स्पेंस बोलता है कि उस बात को छोड़ दो, हमें नई जिंदगी मिली है तो हमें वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी थ्योरी ये है कि जब लोरेन की माँ पहले वहाँ विजी बोर्ड खेलने गई थी तभी रोका ने उसे पजेस कर लिया होगा, लेकिन मुझे पर्सनली पहले ही थ्योरी अच्छी लगी। तो आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ होल समरी। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।